हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता ही है, कल मैं अपनी मम्मी के घर ही आ रखी थी। जो आज अभी उठ के एक तो पता है क्या, जब शादी हुई थी ना, तो आपको पता है शादी के टाइम पे फंक्शंस वगैरह चल रहे थे और मेरी पैकिंग भी थी। सो सारा का सारा जो सामान था ना, यहाँ वहाँ उलट फुलट हो रखा था। कुछ चीज़ मतलब हर चीज़ अपनी सेटिंग पे नहीं थी। तो कल से मैं कल किया, सुबह किया, सारी मम्मी की पूरी जो भी है अपने रूम की बाकी की सारी सेटिंग करवाई अच्छे से। और क्या कहते हैं, अब जाके पूरा घर नॉर्मल हुआ है। और जो मुझे लेकर जाना है वो भी मैंने सारा का सारा सामान निकाल दिया। तो बहुत सारा सामान निकला पड़ा है अभी। बाकी अभी नहा धोकर तो आ गई हूँ, और उसके बाद हम लोग अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं रजौरी मार्केट। कुछ काम है तो शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी करनी थी। मैंने कहा चलो मम्मी के साथ आज रजौरी मार्केट घूम भी लेते हैं। मम्मी भी थोड़ा कह रहे थे कि तू आ, फिर हम तेरे साथ घूमते फिरते हैं। तो मैंने कहा चलो आज चलती है, पुराने दिनों की तरह वैसे ही घूमते फिरते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं होती हूँ रेडी। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड आज मैंने ये वाला सूट वेयर करा हुआ है। ये हमने लिया था नंदा से ही लिया था सूट। सो ये कंट्रास्ट में है, ये ऐसे ब्लू है और पिंक, मजेंटा पिंक और ब्लू, हाँ बाकी ऑल ओवर है। और ये सिर्फ यहाँ पे ये नेक पे डिटेलिंग ये दे रखी है, बाकी छोटे छोटे सा ऐसे सा सीक्वेंस क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं मुझे इतना नहीं पता, वो हो रखा। तो ये भी सूट अच्छा है ना, लुक इसकी अच्छी आती है सूट की, बहुत सुंदर है। और मैंने पापा को यही बोला है, मेरी पैंट्स ऐसे ही बनवाया करो, ये वाली पैंट्स मुझे सबसे ज्यादा सही लगती है, है ना। चले मम्मी, मैं तो हम रेडी लेट हुए, कोई नहीं, चलो घूम चलो चलते हैं, है ना। चलो गाइस, तो अभी मैं कीन्स नहीं, केलव में, कीन से तो ले ली ना, केलव में आई हुई हूँ। एक मुझे पसंद आई थी बट मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी, तो बाकी और कोई देखती हूँ ना, और कोई देखती हूँ। शूज तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे आज, पता शूज में इतनी हील्स आ रही है, इतनी हील्स आ रही है गाइस, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही वाले हील्स ना, ये सामने ले रहे ना, सब पता नहीं क्यों आ रही है, चलो कोई और देख लेते हैं। सो गाइस, घर आ गई थी मैं वापस एंड मैं तो लेने गई थी एक ना, मुझे ना फ्लैट चाहिए थी फैंसी सी, और एक मैं सोच रही थी हील्स देख लूंगी छोटी वाली गोल्डन में, बिकॉज मेरे पास जो है वो बड़ी वाली हील थी। मैं क्या छोटी में देख लूंगी और एक शूज देख लूंगी, बट मुझे कुछ भी मार्केट में पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था मार्केट में, कुछ भी पसंद नहीं आया। एक मुझे गोल्डन हील पसंद आई थी, बहुत बहुत प्रिटी, बहुत प्रिटी, इतनी सी हील थी पर वो ना कंफर्टेबल नहीं थी। वो हील ना चलते वक्त ना, मतलब इवन मैं स्टैंड हो रही थी तभी वो हिल रही थी, और वो 1600 की दे रहे थे। तो मेरे को तो मतलब 1600 क्या कम की भी हो तब भी लेने का कोई फायदा नहीं था, बिकॉज ऐसे से हिल रही थी। मैं कहीं मैं ही गिरी पड़ी हूँ कहीं ना कहीं। सो मैं फ्लैट ही लेकर आई थी, अभी मनु आएंगे तो उनको दिखा दूंगी, तो फिर ब्लॉग में भी तभी दिखा दूंगी मैं। और बाकी अभी ना मैंने सारी अपनी जो जो सामान और लेके जाना है मैंने पैकिंग कर ली है। ये वाली शॉल ले ली है, ये विंटर वेयर ले ली है, ये ट्रैक सूट ले लिया है, और ये सामान है जो जो मेरे को लेना था हील्स वगैरह, ये मैंने अपने लिए एक ट्राईपोड ले लिया है। तो अभी मनु को मैंने बोला है कि मेरा ना बैग ले आना, मतलब वाला भी ट्रॉली बैग ले आना, उसी में मैं रख लूँगी, बिकॉज ऐसे तो सारा सामान नहीं जाने वाला। तो बस अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, और ललता मासी और चीना अंकल आ ही गए हैं, और बाकी भी पापा ने भी आना ही है, मनु एंड पापा ही दोनों का ही वेट हो रहा है बस। सो सब लोग आ गए हैं, मासी भी आ गए हैं, और आज मासी चीना को भी ले आए हैं। चीना आज फाइनली आई गई है, फोटोज ही देख रही है ना, अभी फोटोज आई है ना, हाँ ये सत्संग की ना, अभी आज ही मैंने भेजा है सबको ना। तो अंकल भी आ गए, पापा भी आ गए, बस मन्नू जी का वेट है, बस मन्नू जी आए, हाँ आ ही नहीं रहे मन्नू जी, आके सब पकड़ना। वो एकली शॉप लेट बढ़ाई है ना, काम था शॉप पे ना आज, मैंने कहा एकदम से उजाला आ गया, सुबह हो गई, अभी ठीक हो जाएगा। आज क्या बनाया मम्मी? मैंने आलू गोभी और मटर पनीर। अच्छा वाह, दो दो सब्जी बन रही है, वैसे एक बनती है, हाँ वैसे एक बनती है, आपको एक एक सब्जी बनती है ना आपके लिए, बड़े लोग आए हैं, हाँ देख लो यहाँ पे दो दो बन रही है, हाँ तीन भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है। ये तो अभी थोड़े थके हुए थे मम्मी, वरना पता नहीं और क्या क्या, चलो कोई नहीं, अब आने वाले बस। फाइनली देखिए गाइस, मेरे पति देव आ गए हैं इतने, ये कैसे गाना गा लो, माध जी अंगना में पधार, बहुत देर बाद पधारे, पर ले आए ना टची, हाँ जी हाँ जी,
सब अंदर अपने पापा सोने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी दीदी का सारा सामान लेने आया हूँ। अभी सारा नहीं जा रहा, अभी भी थोड़ा ही जा रहा है। अच्छा, भी पूरा नहीं है। नहीं नहीं, धीरे धीरे किस्तों में जाएगा अभी। सो गाइस, बस हम अंदर तो सब खाई पी रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मम्मी अब आप मैं जाएगी, बस पैक वैक कर रही थी, मैंने सारा जो है अपना पैक कर लिया सामान, बस मम्मी कह रही है तू बस जा रही है, मैंने कहा हाँ तो जाने। कल अब मम्मी वो हेयर नहीं हुए ना, हेयर कलर करवाने, टचअप लेना है, रूट टचअप, तो आज टाइम ही नहीं मिल पाया, तो कल मिलते ठीक है, क्योंकि परसों शादी पे जाना है मुझे, कल मिलना है ठीक है। तो गाइस वैसे तो आप मम्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत बहुत अच्छी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर हमारे मतलब व्लॉग फैमिली में, यूट्यूब फैमिली से जुड़ा है, तो मतलब अब तो पता चली गई अगर मम्मी है तो मम्मी भी अपना व्लॉग बनाते हैं। इन्हें पहले शादी से पहले मेरा यही दादा भी व्लॉग का चैनल का जो नेम है पूजा एंड व्लॉग है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो प्लीज़ पहले तो मुझे भी सब्सक्राइब की और फिर मम्मी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं, और ऐसे ही हम दोनों को और मतलब हम सब पूरी फैमिली को ही ऐसे सपोर्ट और प्यार देते रहिए ठीक है। चलो मन्नू जी चलना नहीं है अब, एक बज गया, चलो आ जाओ फिर मम्मी बोलेंगे आए नहीं अभी तक। हाँ जी आ जाओ, हाँ पहुँच से लग जाएगा टाइम। चलो ठीक है मम्मी, चलो बाय मासी, बाय बाय बाय, फिर जब आती हूँ फिर ठीक है, बर्थडे के बाद ही आऊंगी। नहीं अब पापा वो कर रहे हैं, अब तो एक्टिंग है, अब तो एक्टिंग है, नहीं नहीं हंस रहे हैं, मैंने बोल दिया हंसते हंसते छोड़ना, हाँ ऐसे ऐसे बस जा रही, अब गई गई। सो गाइस मैं पहुंच गई घर, एंड अभी बस मम्मी पापा से बात बात ही करी, तो वो भी सो नहीं वाले थे बिकॉज हम लोग आते आते थोड़ा लेट हो गए थे। हैं हाँ जी, सो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और कितना आराम मिलता है घर पहुंच के। अपना घर अपना ही होता है। हाँ जी, तो वो भी मेरा ही घर है। हाँ, वो भी आपका भी है मतलब। हाँ, अब कपड़े नाइट वगैरह जो भी है अपना घर पे बड़ा होता है ना। हाँ जी हाँ जी, रिलैक्स घर पे आके मिलता है। ये तो है ही बात, ये है, थोड़ा आराम मिला। बाकी जो बनाया था बहुत टेस्टी था। हाँ, मटर पनीर मम्मी ने बनाया था, आलू गोभी बनाए थे, टेस्टी था। वही बातों बातों में पता ही नहीं चला। बातें करते रहे बातें करते रहे। हाँ जी हाँ जी, और देखो ये वाली लाई हूँ शॉपिंग, तो हमने पूछा नहीं क्या करके आई हो। पूछने वाला था। हाँ जी, ये वाली लाई हूँ, देखो ये वाली लाई हूँ मैंने अभी तक। हाँ भाई, ये मैंने अभी तक गाइस को दिखाई ही नहीं यूट्यूब में, तो गाइस ये वाली मैं लेकर आई थी स्लीपर, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, और बहुत सुंदर भी लग रही है ना, पर्ल्स वाली अच्छी लग रही है ना। नहीं वाकई में अच्छी लग रही है, पर्ल्स वाली अच्छी लग रही है। इसके नट निकल तो नहीं जाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो भैया कहते नहीं निकलेंगे ना, गोल पर्ल्स ना ऐसे कैसी रहेगी, और सॉफ्ट है, कुशन वाली है। देख लो कोई डायमंड चुरा के ना ले जाए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं चुराएगा, तो बहुत सुंदर लगी थी। एक शूज भी देख रही थी, शूज पर अभी थोड़ा डाइसी हो रखी थी, मैं स्नैपचैट भेजी थी ना सूट, और हाँ। सूट कह रही शूज की। हाँ जी, तो थोड़ा डाइसी हो रखी थी इसमें। अच्छा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगली बार आप ही के साथ चल के देख लूंगी, है ना ठीक है। एंड गाइस मैं बस ना एक ही कमेंट बहुत ज्यादा रिपीट में आ रहा है कि आप लोग हनीमून पे नहीं जा रहे, आप लोग हनीमून के दिन जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे, कब जाओगे, ये वो ये वो। सो हुआ क्या गाइस कि अभी जैसे आप लोगों को पता है शादी दिवाली के टाइम पे ही हुई है, और अभी हमें लुधियाना भी जाना था, तो हमें पता ही था हमें 2 डेज के लिए लुधियाना जाना है, तो इस बीच में अगर हम अपना हनीमून का प्लान बनाते तो फिर रेगुलर ही रहता, अभी इनके काम का भी टाइम है। गाइस जब भी जाएंगे आपको दिख जाएगा। हाँ जी, आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। वैसे प्लान तो हम कर रहे हैं फर्स्ट ट्राई, बाकी देखते हैं इनके मतलब शेड्यूल के ऊपर डिपेंड है, जैसा भी होता है फिर आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे, बट जाना तो जरूरी है, कब जाना क्या नहीं जाना अभी वो डिसाइडेड नहीं हुआ। गाइस एक्चुअली क्या है कि मेरा क्लोज का बिजनेस है आपको पता ही है, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो पीक पे होता है काम, अब मैरिज भी उसी टाइम पे हुई है, उसके बाद मुझे अपना भाभी के वहां पर भी जाना है मैरिज में, उसके लिए भी 2-3 दिन का ऑफ, उसके बाद हनीमून, तो बड़ा हेक्टिक सा काम हो रहा है, देखते हैं जैसा भी होगा
बढ़िया ही होगा और आपको पहले बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। चले जाएंगे हम, नेक्स्ट मंथ तो पक्का ही है, दिसंबर में हम चले जाएंगे। डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई, जैसे भी फाइनल होगी हम आपको अपडेट कर देंगे गाइस। तो अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, अभी फिलहाल हम सोते हैं। एंड वही है, थोड़ा जो मैं भी थोड़ा सैड हो गई थी तुमसे घर को ना छोड़, गाइस रो रही थी बाद में, जेन्युइन रियल रियलिटी में घर से निकली गाड़ी में आते थे आंसू निकल गए। मैं सबके सामने क्यों नहीं कह रही, मुझे रोना नहीं आता, अकेले में इमोशन निकलते हैं, मुझे लगता था मजाक है, मगर जेन्युइन आज रियलिटी में गाड़ी में वापसी आते हुए अपने पापा को देख के रो रही थी। मतलब पापा रो रहे थे तो अंदर रो रही होगी, गाड़ी में आके फूट फूट के रोने लग गई, फिर मैंने चुप कराया। नहीं कोई बात, वो होता है यार, समटाइम्स ना अजीब तो लगता ही है। यहाँ से जा रही थी, यहाँ से अजीब लग रहा था, वहां से गई हूँ, वहां से अजीब लगने लग गया, तो दोनों साइड से अजीब लग रहा कि दोनों साइड से छूट रहा है, कोई नहीं पार्ट ऑफ द लाइफ, धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। सो फिलहाल अब तो हम सोने जाते हैं, मिलते हैं हम कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।